आज का टॉपिक है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैथोलॉजी, ठीक है, या ट्यूबल इंटरस्टिशियल डिजीज। तो आज हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये क्या है? गेटनी रिगार्डिंग डिजीज है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, अ ग्रुप ऑफ इंफ्लेमेटरी किडनी डिजीज दैट प्राइमरली इन्वॉल्व रीनल इंटरस्टिशियम एंड ट्यूबुल। मतलब कहने का मतलब है कि किडनी का एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो जिसमें हमारे किडनी के इंटरस्टिशियम और ट्यूबुल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें ग्लोमेरुलाई भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें क्या होगा, ठीक है, जो क्या है, बाद में इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब है जो हमारे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ये ग्रुप है, इन्फ्लामेटरी का ग्रुप है, किडनी रिगार्डिंग डिजीज का एक इन्फ्लामेटरी ग्रुप है जिसमें हमारे रीनल इंटरस्टिशियम भी इन्वॉल्व होंगे और ट्यूबुल्स भी इन्वॉल्व होंगे, और कुछ देर बाद हमारे इसमें ग्लोमेरुलाई भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में हमारे किडनी के इंटरस्टिशियम और बाद में ये हमारे ग्लोमेरुलाई को भी इफेक्ट करने लगता है। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी की, जो हमारे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है इसका एटियोलॉजी क्या है, मतलब इसके कॉजेस क्या है। तो इसमें है बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल। तो हमारा जो एटियोलॉजी है रिगार्डिंग बैक्टीरिया ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में, तो इसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, जो क्या किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, इन्फेक्शन प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व रीनल पैल्विस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर विच बैक्टीरिया में जो हमारी टर्म आती है पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें हमारे रीनल पैल्विस इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। अब बात करते हैं नॉन बैक्टीरियल ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इसमें जो नॉन बैक्टीरियल ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसमें हमारे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हम इसको बोलेंगे जिसमें हमारे ट्यूबुलर इंजरी हो जाएगी, ट्यूबुलर इंजरी हो जाएगी, साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होने लगेगा, हाइपोकैलेमिया भी होने लगेगा, इरिटेशन भी होने लगेगी और वायरल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ साथ ये हमारे इम्यून रिएक्शन भी कॉज करने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे टाइप ऑफ ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब हम बात करेंगे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहली बात आती है एक्यूट और क्रॉनिक। हमारे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है ये टू टाइप्स के होते हैं, क्या है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंडर आते हैं। एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ TIN, जो हमारे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है इसको हमने कॉजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया है। तो इसमें है इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव। हमारे इन्फेक्टिव में क्या है, क्रॉनिक बैक्टीरियल पाइलोनेफ्राइटिस है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है और अदर इन्वॉल्व होंगे, और जबकि नॉन इन्फेक्टिव में हमारे एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, एनाल्जेसिक एब्यूस नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, माइलोमा नेफ्रोपैथी, यूरेट नेफ्रोपैथी, गाउट नेफ्रोपैथी, रेडिएशन नेफ्राइटिस, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, नेफ्रोकैल्सिनोसिस और इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये हमारे नॉन इफेक्टिव के अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे एक्यूट फिलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो एक्यूट फिलोनेफ्राइटिस होता क्या है, तो क्या है एक्यूट नेफ्राइटिस, इज ए कॉमन सुपरवेटिव इंफ्लामेशन ऑफ किडनी एंड रीनल पैल्विस। जो हमारा एक्यूट फिलोनेफ्राइटिस है ये हमारे किडनी और रीनल पैल्विस का एक इंफ्लामेटिव इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। और इसका जो इटियोलॉजी है, कॉज से किस कारण होते हैं, बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक है। साथ साथ ईकोलाई से, जिसमें हमारा कॉमनली कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ईकोलाई होता है, और अदर है प्यूटर्स, कैलिब्रिसला, एंट्रोबैक्टर, सुडोमोनास कॉजिंग रिकरेंट
इन्फेक्शन, और जो बाकी है वो रिकरेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब बात करते हैं रूट ऑफ एंट्री की, जो जो हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इनका मतलब ये हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं, इनका रूट ऑफ एंट्री क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा हीमेटोजेनेसिस इन्फेक्शन। रूट ऑफ एंट्री में आता है सबसे पहले हीमेटोजेनेसिस इन्फेक्शन, जिसमें नाम से ही पता चला, जिसमें क्या है, शीडिंग ऑफ किडनी बाय बैक्टीरिया इन सेप्टिसिमम या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें हमारे जैसे हमारे इसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, ये कहाँ जाएगा, ये हमारे किडनी में जाएंगे और यहाँ पे वो इन्फेक्शन को कॉज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसेंडिक इन्फेक्शन, जिसमें क्या है, ये जो है एसेंडिक इन्फेक्शन ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, जिसमें क्या है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से ये क्या होंगे, बैक्टीरिया एंटर करेंगे और ये असाइटिटिस, प्रोस्टेटिस और एथराइटिस को कॉज करते, मतलब यहाँ ये इसके थ्रू इन्फ्लामेशन भी कॉज करते हैं। अब जैसा कि इस अगर बात करें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारा यूरिनरी सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमें दो किडनी है और एक नीचे ब्लडर है और साइड में क्या है हमारा, तो ये जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर आप अगर रेड कलर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट साइड में जो किडनी है ये इसमें क्या है, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, हीमोजेनेसिस इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट क्या हो गया, किडनी के पास चला गया और उससे इन्फेक्शन को कॉज कर दिया। और जो अगर हम लोअर पार्ट से देखें, जो हमारा ये असेंडिक इन्फेक्शन है वो हमारे ब्लडर से होते होते यूरेथ्रा से होते होते किडनी तक पहुंचा है, तो ये हमारे असेंडिक इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस के पैथोजेनेसिस की, तो इसमें पैथोजेनेसिस ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन, तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया अडहेयर टू म्यूकोसल सरफेस, कॉलोनाइज डिस्टल यूरेथ्रा, गेन एक्सेस टू ब्लडर एंड बाय एक्सपेंसिव ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज, मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे म्यूकल सरफेस पे क्या अडहेयर कर आ जाते हैं, फिर वो अपनी बहुत सारी यूरेथ्रा में कॉलोनीज बनाते हो, फिर एक्सेस मिलता है इन्हें, ब्लड से एक्सेस मिलता है और वो आगे जाके ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, स्टेटस बैक्टीरियल मल्टीप्लाई एंड असेंड अलोंग द यूरेटर्स टू रीनल पेल्वे। ठीक है, ये इसमें अलाउ होगा। नेक्स्ट है वैसे क्यूरेटरल रिफ्लेक्स अलाउ इन्फेक्टेड यूरिन टू असेंड इनटू रीनल पेरिकाइमा, जो हमारे जो वैसे क्यूरेटरल रिफ्लेक्स है वो जो इन्फेक्टेड यूरिन है उसको अलाउ करेगी हमारे रीनल पेरिकाइमा तक जाने की, थ्रू द ओपन डक के थ्रू रीनल पेरिकाइमा तक जाने के लिए हेल्प करेगी एट द टिप ऑफ पेल्वुलाई। ठीक है, इन फीमेल बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा एनी ट्रामा ऑफ यूरेथ्रा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फैसिलिटेट एंट्री टू बैक्टीरिया इनटू ब्लडर, तो यूरेथ्रा के छोटे होने की वजह से जो हमारे जो यूरेथ्रा में किसी भी वजह से जो ड्रामा केसेस होता है उसकी ही वजह से बैक्टीरिया जो है ब्लडर में पहुंच जाता है। अब ये देखो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही होगी किडनी, किडनी में ये जो रेड कलर है ये यहाँ पे किडनी को शो किया और इसमें पॉइंट 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 से ये हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज है, मतलब बैक्टीरिया की बहुत सारे सेल्स की कॉलोनीज है जो हमारे किडनी पे अटैच हो गए हैं या ये कह रहे हैं उनकी ग्रोथ है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किडनी की जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज या सेल्स, मल्टीपल सेल्स की ग्रोथ हो चुकी है। अब है एक्यूट पाइलोरोमा को हम कैसे दे सकते हैं, एक है मैक्रोस्कोपी और दूसरा है माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या है, मैक्रोस्कोपी जो है इसमें हमारी दोनों किडनी क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, वन या बोथ किडनी में भी इन्वॉल्व। जो हमारी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की ये माइक्रोस्कोपी भी है, माइक्रोस्कोपी भी है, तो अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो उसमें हमारी एक किडनी भी हो सकती है या दोनों किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी नॉर्मल या इनलार्ज एज़ वेल। इसमें या तो ये नॉर्मल रहेंगी, इनलार्ज हो जाएंगी और
में स्वेलिंग आ जाएगी, तो ये एक भी किडनी में हो सकता है, नहीं तो दोनों किडनी में हो सकता है। रीनल सरफेस एंड कॉर्टेक्स, तो मल्टीपल जो रीनल सरफेस और कॉर्टेक्स है इन चीजों को मल्टीपल टाइम शो करेंगी। डिस्क्रीट एंड येलो वाइट एब्सिस मेजरिंग सेवरल mm इन डायमीटर, और खास तौर से अगर हम रीनल सरफेस या कॉर्टेक्स को अगर ये देखें तो इस पे येलो वाइट की जो सेल्स होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी, तो इसमें क्या अर्ली सेपरेटिव नेक्रोसिस लिमिटेड टू इंटरस्टिशियल टिश्यूज पे, जो हमारा नेक्रोसिस है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू के लिए लिमिटेड है। ठीक है, बट लेटर लेकिन बाद में जो एब्सिस रप्चर इनटू ट्यूबल्स, और जो एब्सिस होंगी वो हमारे ट्यूबल्स में रप्चर हो जाएंगी एंड गिव राइज टू वाइट सेल कास्ट इन यूरिन, और उसके बाद जब ये रप्चर हो जाएंगे तो यूरिन में वाइट सेल की जो पीसेस होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। इसमें हमारी जो ग्लोमेरुलाई है वो इफेक्टेड नहीं होगी, ओनली रीनल एरिया ही इन्फेक्टेड होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पाइरोनेफ्राइटिस की, तो इसमें क्या है रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस में क्या है ये इनफ्रीक्वेंटली फॉर्म ऑफ पाइरोनेफ्राइटिस सीन इन, जिसमें क्या है इसमें एकदम से पाइरोनेफ्राइटिस दिखाई देगा, उसमें हमारे डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, एनर्जेसिक अब्यूज होने की वजह से, सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो कैसा है ये क्या है शार्पली डिफाइंड ग्रे वाइट टू येलो नेक्रोसिस, में ग्रे वाइट से येलो नेक्रोसिस होंगे एपिकल टू थर्ड ऑफ द रीनल पिरामिड पे, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। माइक्रोस्कोपी वन या ऑल पैपिलरी टिप शो कोगुलेटेड नेक्रोसिस, अगर माइक्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग इसमें एक या सारी जो पैपिलरी टिप्स है उसमें हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनोनेफ्रोसिस में, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगी, व्हेन पस फिल रीनल पेल्विक, जो पेल्विक रीनल पेल्विक में पस भर जाएगा तो कैल्साइज एंड यूरेटर इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें क्या है यूरेटर कैल्साइज का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। अब बात आती है नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेशन हमारी पेरिनेफ्राइटिक ऑब्सेस, इसमें क्या आएगा इसमें पस का कलेक्शन होने लगेगा पेरिनेफ्रिक टिश्यू के अंदर पस का कलेक्शन होने लगेगा। अब बात करते हैं हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस अब क्या है, तो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन स्कारिंग ऑफ रीनल पेरिकाइमल आर एसोसिएट विद ग्रॉसली विजिबल स्कारिंग एंड डिफॉर्मेटिव ऑफ पेल्विक कैल्सियम सिस्टम इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ यूटीआई एंड इंपॉर्टेंस कॉज ऑफ सीयर, कहने का मतलब है कि जो हमारा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है इसमें यूटीआई की हिस्ट्री देखने को मिलती है और साथ साथ क्रोनिक रीनल फेलियर की हिस्ट्री देखने को मिलती है, और ये भी एक तरीके इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है और जिसमें हमारे रीनल पेरिकाइमल की टिश्यू में स्कारिंग आ जाती है और ये बहुत ही लंबे समय से ये हो रहा होता है। तो इसमें हमारे आते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस, जो हमारी क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है इसमें हमारा सबसे पहले आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस, ये क्या है इसमें क्या है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किडनी में, इसमें क्या है ऑब्स्ट्रक्शन पेरिडिस्पोज ऑफ किडनी टू रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन स्कारिंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। बाइलेटरल अकल विद कैल्कुलाई, बाद में ये स्टोन के फॉर्म में भी हो सकता है और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन यूरेटर में होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पाइलोनेफ्राइटिस, जिसको हम रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, जो क्या है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और जो मेनली जो रिजल्ट देखा गया है ये यूटीआई ये कॉन्जिनाइटल वेसिक्यूरेटल रिफ्लक्स की वजह से होता है, और इसमें किडनी और इसमें जो दोनों किडनी होती है उसकी वजह से किडनी रीनल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के माइक्रोस्कोपिक की, तो इसमें क्या है वन या बोथ किडनी में इन्वॉल्व, इसमें दोनों की दोनों एक या दोनों किडनी इन्वॉल्व होगी आइदर डिफ्यूजली या पैचेस में। ठीक है, इसमें या डिफ्यूज फॉर्म में होगी नहीं तो इसमें पैचेस फॉर्म हो सकती है, जैसा कि इस स्लाइड में आपको
दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इसमें हॉलमार्क इस स्कारिंग ऑफ पेल्विस कैल्काई, इसमें हॉलमार्क स्कैरिंग स्कैरिंग हो सकती है, ये कैल्काई की हॉलमार्क हो सकती है, ये दोनों में ही हो सकती है। इसमें डायलेटेड कैलाइसिस भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और इसमें स्कारिंग में भी क्या है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है, कुछ में ज्यादा होगी और कुछ में कम होगी। अब है माइक्रोस्कोपिक, इसमें क्या है, इसमें इंफ्लामेशन है, इसमें मिक्स इंफ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा, जिसकी जिसमें इन्वॉल्व होगी हमारे कैलिसियल मिकोसा वॉल और ट्यूबल्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस एंड ट्यूबुलर एट्रोफी, सम डायलेटेड ट्यूब्यूल्स, जो इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस और ट्यूबुलर एट्रोफी होंगी वो हमारे ट्यूबल्स को डायलेट कर देंगे, जिसमें पिंक कलर, जिसमें पिंक से वाइट, पिंक से ब्लू ग्लैसियर पॉजिटिव कास्ट इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब है ट्यूबरकुलाई पेरिनेफ्राइटिस, इसमें क्या है हमारे हिमाटोजिनस स्प्रेड ऑफ टीबी फ्रॉम लंग्स या अदर साइड, जिसमें क्या है हमारे टीबी जो है वो लंग्स या अदर साइड में फैल जाएंगी, ठीक है। असेंडिंग, ये जो ट्यूबरकुलस पाइलोनेफ्राइटिस है, ये हमारे हमारे नॉन बैक्टीरियल के अंडर आता है, तो इसमें हमारे हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड है टीबी फ्रॉम लंग्स या अदर, जिसमें हिमोजेनस जो टीबी है वो हिमेटोजेनेसिस स्प्रेड हो जाएंगे हमारे लंग्स से लेके अदर साइड में, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन भी होगा, तो इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस भी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मतलब ड्रग की वजह से ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का होना है, जिसमें क्या है इसके दो फॉर्म होते हैं, इट हैज टू फॉर्म, एक है एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, दूसरा है क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अगर हम एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल की बात करें तो इसमें क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर विद सिंथेटिक पेंसिलिन, ये मोस्टली किससे होता है, मतलब ये फ्रिक्वेंटली पेंसिलिन के ज्यादा यूज से भी हो सकता है या अदर सिंथेटिक एंटीबायोटिक से भी हो सकता है, डायूरेटिक से भी हो सकता है, नसार से भी हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है पेंसिलिन एंटीबायोटिक डायूरेटिक और नसार की वजह से एक्यूट ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसमें क्या है एसोसिएट विद रीनल पिपलरी नेक्रोसिस की वजह से ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, में क्या है इम्यून मैकेनिज्म सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एविडेंस टाइप, जो हमारे इम्यून का मैकेनिज्म है वो उसको हम क्लिनिकल एविडेंस के अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड होगा, जिसमें हमारा ओसिनोफिलिया रैस श्रम और आईजीई का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोन्यूक्लियर ग्रैनुलोमैटोसिस इन्फिल्ट्रेट होगा टुगेदर विद पॉजिटिव स्किन टेस्ट ऑफ ड्रग एंड सजेस्ट टी सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें क्या है इंटरस्टिशियल एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन बाय लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस अलोंग विथ ओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, इसमें क्या है इसमें हमारे इस मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो इसमें इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा और साथ साथ में लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस ओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व होंगे विथ सम ड्रग, कुछ ड्रग्स है जैसे मेथिसिलिन थायजाइड रैम्पिन, ये क्या है ये इंटरस्टिशियल नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमर्स होते हैं जो ये कॉज करते हैं, ये ग्लोमेरुलाई नॉर्मल एक्सेप्ट इन सम केसेस, जो ग्लोमेरुलाई नॉर्मल है ये कुछ ही केसेस में एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या है नसार्ड लीड करता है इंफ्लामेशन करने में। अब आता है हमारा एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, एनाल्जेसिक रिलेट करता है पेन रिलीवर से या पेन किलर मेडिसिन से, ठीक है। इसमें क्या है इंडिविजुअल कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, में जो पेशेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में एनर्जेसिक्स को यूज करता है, खास तौर से एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन को यूज करता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
पैथोजेनेसिस में क्या है, इनिशियल पेपिलरी नेक्रोसिस फॉलो बाय इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। जो हमारे पेपिलरी नेक्रोसिस है वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे ड्रग मेटाबोलाइट इंजरी सेल बोथ कोवेलेंट बाइंडिंग एंड ऑक्सीडेशन डैमेज डैमेज करते हैं। एस्प्रिन इनहिबिट पीजी सिंथेसिस, जो एस्प्रिन है वो हमारी पीजी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी बाय द वैसोडायलेटर इफेक्ट्स से। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनर्जेटिक अब्यूज इज द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ट्रांसिशनल सेल कार्सिनोमा में, जो हमारे एनर्जेटिक है उसका ज्यादा यूज करने की वजह से ट्रांसिशनल सेल नेक्रोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते, वो भी क्या है रीनल पेल्विक या ब्लडर एरिया में कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात हम करते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में, मैक्रोस्कोपी में, इसमें क्या है नेक्रोटीन पिपलाई येलोइश ब्राउन ड्यू टू, इसमें नेक्रोटीन पिपलाई होगी वो येलो से येलो ब्राउनिश होगी, क्यों, क्योंकि उसमें फिनास्टीन और अदर लिपोफ्यूजन का क्या हो गया, ब्रेक डाउन होने की वजह से ये हुआ है। अब मैक्रोस्कोपिकली की बात करें, इसमें पेपिलाई शो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, में पेपिलाई है कोगुलेटिव नेक्रोसिस को शो करेगी। अब आता है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इसमें जो इटियोलॉजी कौन कौन से कारण है, इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन मेम्ब्रेनस जीएन, ठीक है, इसमें जीएन का मतलब है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस और मेम्ब्रेन प्रोफिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इसके कॉजेस हैं। अब आता है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है किडनी एसिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट सरफेस रेड बाउंड एंड डिफ्यूज ग्रेनुलर, इसमें क्या है जो किडनी है वो सिमेट्री कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे और जो उसकी सरफेस होगी वो रेड ब्राउन हो जाएगी और साथ साथ उसके जो ग्रेनुल होंगे वो आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम माइक्रोस्कोपिक से देखें अगर तो इसमें हमें ग्लोबली स्क्लेरस ग्लोमेरुलाई देखने को मिलेगा, इसमें साथ साथ हमें इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस कॉर्टिकल एट्रोफी और लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेशन भी खास तौर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब है इसमें एंड स्टेज किडनी, जिसमें क्या डैमेज प्रोग्रेस, जो डैमेज होगी वो मतलब बढ़ती जाएगी, इट मे बिकम डिफिकल्ट टू असेंट वेदर द प्राइमरी लेजन वाज ग्लोमेरुलो, इसमें क्या है ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने लगेगी और ग्लोमेरुलर वेस्कुलर ट्यूबल में क्या करने लगेगी, कटिंग मतलब इनसीजन स्कार्स को जनरेट करती रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है।